कहेगा ये ले मोरदा चीची उखरा, तो आपने कहना ना 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 माला माला है मेरे पास माला मेरे पास है। पश्तों का कत्ल हो रहा है। चलो क्या, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हो जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, पखैरा अगल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग नंबर 7 है, ये और व्लॉग नंबर 7 एक्चुअली कल आना था, लेकिन कल जो है तो मैं कोई भी व्लॉग नहीं लगा सकी। ओके और कल मैं कोई व्लॉग नहीं थी लगा सकी। आज अब है, कोई बात नहीं है, अपनी फैमिली है। अब बेशक 1400 ही है, लेकिन है तो सही ना। तो इंशाल्लाह किसी कभी मिलियन भी होगी। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं घर से ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आज नहीं जा सकी, रात को काफ़ी ज़्यादा काम थे और इस वजह से जो तो व्लॉग नहीं थी बना सकी। और मेरी अम्मा भी बीमार थी, और दूसरा उनकी फैमिली में फोतगी हो गई हुई है, तो उनको इसलिए पंजाब जाना पड़ेगा। तो मे भी आज का सारा व्लॉग इसी पर ही होगा। तो चलें जी आज का व्लॉग करते हैं यहाँ शुरू। और फातिमा को इग्नोर मारे आप लोग, इसकी आवाज़ और इसका हंसा आप लोग पिछले व्लॉग में तो देख ही चुके होंगे। तो ये हमारे घर नॉर्मल नहीं है, तो बस आप भी इसको बर्दाश्त करें जैसे हम करते हैं, क्योंकि आप भी अब हमारी फैमिली हैं, तो आपको भी इसी तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं। गुंगी हो। तो चलें जी आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ही शुरू। ये जी हम लोग नाश्ता करने के लिए आज छत पे ही आ गए हुए थे। मामा ले रही थी सन बात, जिसे कहते हैं बर्गर्स की लैंग्वेज में सन बात के लिए, तो हम लोग यहाँ पे ही आ गए थे साथ, धूप में ज़्यादा नाश्ता वगैरह कर रहे थे मामा के साथ ही। दोपहर के खाने में बने हुए हैं जी यहाँ पे, मामा बना रही हैं माश पुलाव और साथ में कोफ्ते, क्योंकि मामा जाने लगी हैं पंजाब। तो मामा ने कहा कि पीछे से मतलब जितने खाए गए खा लेना, बाकी के फ्रीज कर देना, तो जिस दिन कुछ ना बना पाओ तो उस दिन यही कोफ्ते वगैरह गर्म करके खा लेना, क्योंकि मैं बाबा और फातिमा ही हैं घर पर, तो हलीमा साथ, सॉरी वो भूल गई थी। यहाँ हमारी बड़ी बहन जाने वाली है। तू कल चला हमारा क्या क्या लेके जा रही हो साथ? मेरा दिल लेके जा रही है, इसका भी बड़ा लेके जा रही है। ओ ये भी हमारा। अच्छा फातिमा जरा चेकिंग कर ले हमारा कोई सामान ना लेके जाए। तेरा नहीं है मेरे पे। अच्छा अब तुम पराया धन हो, अब वो सिर्फ हमारा अब्बा है, आपको अधिकार नहीं है यहाँ से कुछ भी लेके जाने का। मुझे शादी की जायदाद से। अच्छा जायदाद पे भी नजर है, समझ रहे हो? लाइक बच्ची है, मैं मौत पत कर जा, मेरा सकल ये बच्चा। अच्छा इसके बाद जी आज का हमारा सारा दिन पैकिंग में गुजर गया। हालांकि मेवा, हालांकि जो है तो ग्रीन चाय जो होती है, पिंक चाय जो होती है, जो भी उसकी पत्ती वगैरह, ये हाला ने मंगवाई हुई थी। ये पंजाब वाले जो है ना पिशावर से जो आ रहे थे, उनको समझते हैं जैसे ये दुबई से आ रहे। हाला आप दिल पे ना लेना, आपको नहीं कह रही। अच्छा चलो अगर ले भी लिया तो कोई बात नहीं, हाला के साथ हमारा मजाक चलता रहता। तो ये हाला आपकी पैकिंग सारी कर दी है मैंने, और बस ये सारा दिन हमारा इसी तरह पैकिंग में ही गुजर गया। और ये यहाँ पे बुनैनजा सतरंगी के पैक के अंदर में हाला के लिए जाते, उनके सिटे पैक कर रही थी। हाला ने ये मंगाए हुए थे, मतलब ये कॉर्नस जो होते हैं ना स्वीट कॉर्नस, ये हाला फिर फ्रीज कर लेती होती हैं, वहाँ से शायद नहीं मिलते, तो फिर ये हाला इधर से मंगाती होती हैं। तो हाला बॉयल करके ना फ्रीजर में रख लेती होती हैं, और वो भी ये पास्ता वगैरह हो गए इन चीज़ों में डालती है। वो भी हमारी तरह फास्ट फूड की बहुत शौकीन है, उनके बच्चे भी, तो ये उनके लिए पैक कर रहे थे। तो मुझे कोई शापर नहीं मिला, तो मैंने इसी में ही डाल दिया हुआ था हाला के लिए। हाला देखो मैं आपको कितनी ब्रांडेड छलियाँ भेज रही हूँ। ये जी बाबा लेके आए दित्ता से, दित्ता हलवाई से जाए, तो मिठाई लेके आए थे। ये सियालकोट लेके जानी थी मेरी बड़ी बहन अपने घर। तो क्या कहते हैं, पंजाब से कोई आता है ना तो हम उनसे मिठाई मंगाते हैं, वो हमसे मंगवाते होते हैं कावे की पत्ती, चाय की पत्ती, और ये मेवा वगैरह ये सारा कुछ, हम लोग उनसे ये चीज़ें मंगवाते होते हैं ना। मतलब उधर की मिठाई बहुत मज़े की होती है, ये दित्ता की भी बहुत मज़े की मिठाई होती है। मतलब पेशावर में तो यही बेस्ट है, यानी दित्ता की हलवाई से ही ज़्यादातर मंगनियों शादियों पर लेते हैं लोग। और ये साथ में मेरी बड़ी बहन को जाते हैं यहाँ के चपली कबाब बहुत पसंद है, बाबा उधर से इस तरह के नहीं मिलते, तो मेरे लिए ये भी लेके आए। तो ये अब लेके मैं फ्रीज करने लगी हूँ, और बस फ्रीज करके जो है पैक कर देंगे इंशाल्लाह। जाते जाते जो है हम लोग मरियम से, यानी कि मेरी बड़ी बहन से, बनवा रहे हैं पुलाव, क्योंकि अब ये जाने लगे और इसके हाथ के खाने हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मामा से भी मज़े का इसके हाथ का टेस्ट होता है, मछली वगैरह सारा सारा कुछ। तो खैर हाडर हमें भी है कि मैं कह रही हूँ पका दो, कि सुबह मुझे कुछ ना बनाना पड़े, हम लोग यही खा लेंगे। तो अब बस ये जाने वाले इनके आखिरी आखिरी लम्हात।
मतलब के जाने लगे। क्या बना रही है, पुलाव बिरयानी? पुलाव बिरयानी है। अच्छा, ये जनाबे अली 9:15 हो गए हैं, 9 बजे की आपकी गाड़ी है। ख्याल से जाना और रास्ते में किसी से कुछ लेके ना खाना। मैंने घर से नहीं किसी तरह से खाना खाया। कोई आपको कहे चीजी ले लो, रूबी तो आपने नहीं लेनी। अच्छा आपको हमने चीजी दे के भेजी। लालच में नहीं आना किसी भी बच्चे के। हाँ, किसी के लालच में नहीं आना। टॉफी नहीं लेके के साथ उंगली पकड़ के वो कहेगा ये ले मोरदा चीजी उखरा, तो आपने कहना ना 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 माला माला है मेरे पास, मेरे पास है। पश्तों का कत्ल हो रहा है। चलो खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हो बैग तो पकड़ो अपना। ये लो ये आपकी बिरयानी, ये आपकी मूँगफली और ये आपकी चीज़ें। रास्ते में खाना और किसी से कुछ लेके ना खाना हमने, इसीलिए आपको सारा कुछ साथ दिया। कोई किसी कोई आपको कहे बेटा चीजी टॉफी, आपने उनसे नहीं लेनी। बेशक आप मेरी बड़ी बहन है, बेशक आप मेरी बड़ी बहन है, पर आपको समझाना मेरा हक है। ये बिरयानी और सारा कुछ रख। बस करो निकल जाओ प्लीज, 9:30 बज गए। वो क्यों आप क्यों उदास हो? मामू जय भी इस बच्ची के साथ बहुत जुल्म होता है। इसको हर बार कहा जाता है अगली बार तुम्हें लेके जाएंगे, अगली बार तुम्हें लेके जाएंगे, और अगली बार आती नहीं है बेचारी। ऐसे ही हर बार बस मुंह चूमवा के ही खुश हो जाए। 4 दिन रहने जा। हाँ बस हलीमा, बस ये इस बार भी तुम्हें लारा लगा है। चीज नहीं लेके खानी रास्ते में किसी से। चार पुत्र मेरी गड्डी लांगी। यार मुझे लग रहा है फार्मर डर डर करके सीढ़ियों में गिरते हैं। दो बंदों का सामान चेक करें। हली 2 दिन के लिए मामा जा रही हैं और उनका सामान। अभी मामा लोग निकले हैं और मैंने फ्रीजर जाके खोला और उसमें कबाब पड़े हुए हैं, और मेरी अब शामत आनी है क्योंकि मामा लोग ऑलरेडी बहुत लेट निकले हैं। तो मतलब इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वापस उनका वहाँ अड्डे तक पहुँचाया जाए। उनकी गाड़ी निकल गई है और स्पेशली मेरी सिस्टर ने मंगवाए थे कि बाबा उधर से नहीं मिलते, तो मुझे इस तरह के कबाब जो है तो वहाँ से नहीं मिलते, मुझे यहाँ से यानी लेके मैंने जाने। तो मामा ने मुझे कहा था थोड़ी देर फ्रीज़ कर लेना, तो फ्रीज़ करके जो है तो हम लोग फिर साथ ले जाएंगे कि रास्ते में ख़राब ना हो। और मामा लोग निकले हैं और मैं चावल वगैरह वापस फ्रिज में रख रही हूँ, तब मुझे याद है ये तो नहीं। तो बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे वहाँ से। अब है ऑनलाइन बेचती होगी क्योंकि वो मामा वहाँ से अलकोट से तो आ नहीं सकती, तो यानी फ़ोन पर ही पढ़नी है, तो थोड़ी बहुत सुन लेंगे। माओ की वैसे भी सुन लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, हमारे पर लेकर ले होती है ये तो कुछ ज़्यादा ही पर लेकर आने दो मुझे कुछ भूल लेना। ये जी अम्मा और मरियम जो है तो फ्रीज़र में ही भूल गई थी कबाब। है मामा मुझे ना ज़्यादा डांटना, आधा कसूर आपका भी, आपको क्यों नहीं एंड टाइम पर याद। तो ये लोग निकले इतनी वो है ना लेट के, हमें बस ये था कि ये लोग जल्दी चले जाएं, ये ना इनकी बस निकल जाए। और उस दौरान मुझे याद ही नहीं रहा मैंने फ्रीजर में ही कबाब रखे हुए। तो चले कोई नहीं, अब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मामा आप लोगों ने खा सके, ये हम लोग ही खाएंगे। अब हम लोग गर्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने मामा के होते हुए यानी खाना नहीं था खाया गया, उनकी पैकिंग में ही मसरूफ थे। तो अब इसी के साथ बाबा जाके बाहर से रोटियाँ लेके आएंगे, और बस मतलब मंगवाए मरियम के लिए थे नसीब में हमारे से, तब हम लोग खाने लगे। तो जी अब बेइज्जती तो कंफर्म है, वो तो पढ़नी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और हलीमा पे याद करो। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।